तो छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़ा 39 तक पहुंच चुका है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। नीतीश सरकार सफाई दे रही है तो बीजेपी कई सवाल नीतीश सरकार पर उठा रही है, लेकिन सवाल यह है कि शराबबंदी के बावजूद इस तरह से किस तरह से ये जहरीली शराब की बिक्री हो रही है, कैसे ये सिंडिकेट वहां पर फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, ये एक गंभीर मामला है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। में कुछ पिए थे, अब नहीं बता रहे, कुछ गरीब का स्थिति ठीक नहीं है। अभी यहाँ पर सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके की शराबबंदी बिहार में है। अनगिनत की संख्या में, हमको अभी काउंट नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा सीरियस है लोग। कलेजे को चीर देने वाला मातम। निशब्द कर देने वाली चीख पुकार। जहरीली शराब की घूंट ने हंसते खेलते कई परिवारों की दुनिया ही उजाड़ दी। किसी के सर से बाप का साया उठा है, कोई बेवा हुई बीवी, किसी ने बेटा खोया है। छपरा का सदर अस्पताल मरघट बना हुआ है। पिताजी मेरे गए थे बाजार, बाजार से आए तो बोल रहे हैं कि मेरा सर में दर्द है और मुझे धुंधला दिख रहा है। जब मैं छपरा चल दिया तो जब विश्वापुर पार किया ना तो उनकी डेट हो गई। सवाल उठता है, ये कैसी शराबबंदी है जहां इलाके के इलाके मसान में बदल गए हैं। आखिर कौन है इन मौतों का गुनहगार? आरोप है कि इलाके में काफी समय से जहरीली शराब का धंधा चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने रोकने की जरूरत नहीं समझी। शहर के इस धंधे को शह देने पर उंगलियां सीधे सीधे स्थानीय थाना प्रभारी पर उठी। सबसे बड़ी बात है वहाँ दुकान दारू के खुलवाए थे थाना प्रभारी संजय कुमार राम, उनको कई बार कहा गया यहाँ जहरीली शराब मत बेचवाया कीजिए, मत बेचवा, तो आते हैं सिर्फ जूटो खानी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उसी ईश्वापुर थाना क्षेत्र का है, डोइला गांव है, बाजार से उत्तर के तरफ दारू का एकदम सप्लाई होता है, हमेशा खुला रहता है, इस शराबबंदी में और प्रोडक्शन करके बेचवाया जाता है। मतलब ये कि पुलिस की मिलीभगत से शराब बेची गई। ये कहानी सिर्फ छपरा की नहीं बल्कि पूरे राज्य की है, जिसे जानने के लिए हमें शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बिक्री का बिजनेस मॉडल समझना होगा। शराब तस्करी का खेल चल रहा है। इतने लोगों का बार बार समीक्षा रोज देखते होंगे कि कितने लोगों पर एक्शन लेता है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो कार्रवाई करता है उनको हम लोग इतना जरूर कहते रहते हैं कि देखो भाई कि ऐसे ही किसी को नहीं, असली कोई गड़बड़ करता उसको पकड़ो। हम तो कह रहे और पूरे तौर पर सब लोगों को कहते हैं कि सारे लोग देखें इसको, तो आप उसको क्या कीजिएगा? आप सोच लीजिए कितना खराब है, पता जो चला है 31 आदमी ना, कितना हुआ, कितना गंदा चीज है। तो ये जो शराब चलाया है अंदरूनी तौर पर पता करके उस पर तो पूरा का पूरा एक्शन ही होना चाहिए।
और ये सब कुछ हुआ है उस राज्य में जहां 6 सालों से शराब की बिक्री पर बैन है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।